खबर वैशाली जिले के महुआ से है, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या के बाद उपजे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मी को गंभीर रूप से चोट लगी है। सभी जख्मी पुलिस वालों का इलाज महुआ के अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद दो पक्ष आपस में उलझ गए थे। दोनों पक्षों में मारपीट और हंगामे की सूचना मिलने के बाद महुआ पुलिस मौके पर मामले को शांत कराने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना में आधे दर्जन के करीब पुलिस कर्मियों को जहां गंभीर रूप से चोट आई है, पुलिस गाड़ी को भी रोड़ेबाजी से काफी क्षति पहुंची है। स्थानीय लोगों ने मौके से पुलिस को खदेड़ दिया था। बाद में आसपास के कई थानों के पुलिस पहुंचकर कैंप कर रही है। इस विषय में महुआ SDPO पूनम केसरी ने बताया कि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, हालात अब सामान्य है। क्या हुआ देखिए, हमको तो एक बार गश्ती में हम थे, एक बार सूचना हमको मिला कि लड़की को जो है से अथी घर में बंद किए हुए है, लड़का जो है से सुसाइड कर लिया है, उसी अथी में लड़की को बंद किए हुए घर में, किसी भी वक्त माने अप्रिय घटना घट सकता है, इसी में हम लोग फोर्स गए, हम लोग पर हमला कर दिया, किसी तरह लड़की को निकाल के थाना पर ले आए। कितने लोग घायल हैं अभी आप? हम लोग तो माने सभी लोग, जितना जो महिला फोर्स लोग है ना, करीब माने 5-6 गो हैं, सभी के सभी लोग जो है से घबराई लोग हैं, चोट लग गया है, फट गया है, और कुछ सारा चीज है। घटना कहाँ हुआ है बाबू? क्या बोलता है? भरतपुर पुल के पूरा सुसाइड कर लिया है कोई लड़का। अच्छा, प्रेम जाल में लड़की के कारण। अच्छा, तो लड़की को बंधक बनाया हुआ था, वही छुड़ाने गए तो लड़का पक्ष के साइड लेडीज और जेंट्स को घेरे हुआ था उसको घर। हम लोग बाहर निकालने के लिए चेष्टा किए, घर से निकाले और भाग, हम लोग लेके लड़की को जब भागना शुरू किए तो वो लोग पथराव कर दिया और डंटा उंटा भी चलाया, चोट लगा सब आदमी को, बहुत आदमी को लगा। लड़की को ले आए हैं? लड़की को ले आए, तो थाना में थाना। अच्छा, और हम लोग यहाँ आ जाते हैं।